नमस्कार, मैं देवेंद्र मालवीय सद्भावनापाती न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत में कोरोना से पीड़ितों की संख्या में मृत्यु दर का परसेंटेज इतना कम क्यों है। अन्य कोई मीडिया इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा नैतिक दायित्व है कि इस ओर आपका ध्यान आकर्षण कराएं। आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन पर रिसर्च कर रहा है। WHO एवं अन्य एजेंसियों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, वह पूर्ण रूप से कोरोना से युद्ध जीतकर वापस आ जाएगा। भारत में मुख्य रूप से तीन मौसम होते हैं, ठंड, गर्मी और बारिश। अधिकांश भारतीय 6 मौसमों में जीवन को जीता है। आधी ठंड, आधी गर्मी, आधी बरसात, आधा सामान्य मौसम, रात में ठंडक, दिन में गर्मी, मतलब विभिन्न प्रकार की मौसम के बदलाव को भारतीय सहन करता है। इस कारण भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य देशों के नागरिकों से ज्यादा है। जबकि लंदन अमेरिका में टेम्परेचर माइनस से अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अमेरिका के कई क्षेत्रों में 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है, 6-6 महीने दिन 8 घंटे का होता है, इसलिए वहां के लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। ऐसे अन्य कई कारणों से वहां के इंसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। वहां सामान्य सर्दी जुकाम में भी कई बार इंसान को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है, जबकि भारतीय लोगों में सर्दी जुकाम नॉर्मल बीमारियों में गिनी जाती है। भारतीयों के भोजन में मसालों की भरमार है, जो औषधीय गुणों से भरपूर मसाले हैं। हमारे पूर्वज इस बात को भली भांति अच्छे तरीके से जानते थे कि जैसा खाओ अन्न, वैसा रहे तन और मन। इसलिए उन्होंने रसोई को स्वास्थ्य की प्रयोगशाला बना रखा था। उसमें हल्दी, तुलसी, मुलेठी, दालचीनी, गरम मसाला, धनिया, काली मिर्च, पुदीना, खड़ा मसाला, तेज पत्ता, आंवला इत्यादि शामिल कर रखा था, जिससे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी। हमारे पूर्वज हमेशा गर्म खाना खाने पर जोर देते थे, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता था। आज की जीवन शैली में फ्रिज में रखा सामान, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे रात का बचा हुआ भोजन, इसके अलावा बर्गर, पिज्जा इत्यादि भी हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। हमारे यहाँ हमेशा रात में हल्दी वाला दूध पीने को कहा गया है, ठंड में खारक का गरम काढ़ा पीने को कहा गया है, बरसात में तुलसी, अदरक, लहसुन का उपयोग ज्यादा मात्रा में करने को कहा गया है। भारतीय पद्धति का खाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पूरी तरह उपयुक्त माना गया है, इसलिए भारतीय कोरोना से लड़कर घर वापस आ रहे हैं। विकासशील देशों में निवास करने वाले लोगों में प्रतिरोधक क्षमता का अभाव इस कदर है कि पीने के पानी का यदि ब्रांड चेंज हो जाए तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। जबकि भारतीयों को नल, हैंडपंप, नदी इत्यादि जहां का भी पानी मिल जाए उसे पीकर भी स्वस्थ रहते हैं। यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता का ही परिणाम है। हम मध्य क्षेत्र के भारतीयों को 6 डिग्री से 45 डिग्री तक के मौसम को सहने की क्षमता होती है, जबकि अन्य विकसित देशों में स्थिति इसके विपरीत है। वहां के लोग एक ही प्रकार के टेम्परेचर में जीने के आदि होते हैं, इस कारण उनकी प्रतिरोधक क्षमता हम भारतीयों के मुकाबले कम होती है। सीधा सा अर्थ है, हम भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। हमारे पूर्वजों ने भारतीय जीवन शैली को संयमित एवं अनुशासित रखने को कहा है, जिस कारण हमारे पूर्वज 100 वर्ष की आयु बिना बीमारी के पूर्ण कर लेते थे। आज के युग में यह बात 100% सही साबित हो रही है। इसी का परिणाम है कि आज 96 वर्ष की महिलाएं एवं पुरुष भी कोरोना वायरस को हराकर घर पहुंच रहे हैं। आपको कोरोना से डरना नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतना है। छोटी छोटी सी सावधानियां बरतकर आप अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि डरे नहीं, सिर्फ सावधानी बरतें और बचाव करें। धन्यवाद।